हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 8 का हिंदी ग्रामर चैप्टर 13 कारक इसका एक्सरसाइज वर्क आपको हम कराएंगे। बच्चों देखिए, ये किताब है, ये किताब का नाम है व्याकरण पुष्प भाग 7। तो चलिए इस चैप्टर का एक्सरसाइज वर्क आपको हम कराते हैं। बच्चों कारक क्या होता है? जब संज्ञा या सर्वनाम का सीधा संबंध क्रिया के साथ हो उसे हम कारक कहते हैं। बच्चों इसका एक्सरसाइज वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है उसको आपको याद कर लेने होगा। अगर आप कारक का विभक्ति चिन्ह को याद कर लिए तो आप आसानी से कोई भी कारक का क्वेश्चन को आप बना पाओगे। तो चलिए इसका विभक्ति चिन्ह हम आपको सिखाते हैं। देखिए कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। किसी किसी में ने का चिन्ह नहीं दिखाई देता है, तब आपको समझ लेने होगा जो काम करने वाला होता है वही होता है कर्ता। जैसे राम खाना खा रहा है तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ? राम, इसलिए राम हो जाएगा कर्ता कारक। जहाँ पर ने रहेगा वहाँ पर तो आप आसानी से समझ ही लोगे कि ये कर्ता कारक है। अगर मान लीजिए ने नहीं रहा तो जो क्रिया कर रहा है यानी जो काम कर रहा है वही हो जाएगा कर्ता। क्लियर? नेक्स्ट देखिए कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वो होता है कर्म कारक। जैसे उदाहरण के तौर पर मोहन ने पौधा लगाया, तो लगाया क्रिया क्या है? लगाया। क्या लगाया? पौधा, यानी वो होगा कर्म कारक। और उदाहरण ले लीजिए, जैसे गुरुजी ने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को, ये हो गया कर्म कारक। नेक्स्ट है करण कारक, शे मतलब के द्वारा क्रिया होने का साधन। जैसे मोहन साइकिल से विद्यालय जाता है, साइकिल से करण कारक यानी साइकिल के द्वारा। मैं हाथ से खाती हूँ, किससे खाती हूँ? हाथ से यानी हाथ के द्वारा, तब वो हो जाएगा करण कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को और के लिए, तो के लिए देखने से तो आपको समझ में आ ही जाएगा संप्रदान कारक है, लेकिन अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कर्म कारक का को और संप्रदान का को लेके। लेकिन यहाँ पर देखिए संप्रदान का को में लेने देने का बात रहेगा। जैसे राजा ने भिखारी को भिक्षा दिया, तो यहाँ पर भिखारी को यहाँ संप्रदान कारक होगा क्योंकि यहाँ देने का बात हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है अपादान से, अलग होने के अर्थ में। करण कारक का चिन्ह भी से होता है लेकिन के द्वारा के अर्थ में, और अपादान का से अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की, अधिकरण कारक का मे पर, संबोधन का हे अरे। ठीक है, अब चलिए इसका अभ्यास कार्य को आपको हम कराते हैं। पहला नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। एक नंबर देखिए कारक के कुल भेद 7, 10, 9, 8, कारक के 8 भेद होते हैं, घ नंबर ऑप्शन सही होगा। दूसरा नंबर में का के की किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? कर्ता कारक, करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। का के की संबंध कारक, घ नंबर ऑप्शन सही होगा। तीन नंबर में अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह मे पर, को, हे, अरे, ने। मे पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मे पर। बच्चों इसलिए मैंने कहा अगर कारक चैप्टर को आपको करना है तो आपको ये कारक जो 8 कारक के जो भेद होते हैं इसका विभक्ति चिन्ह को आपको करने ही होगा। अगर आप उसका विभक्ति चिन्ह को याद कर लिए फिर कोई भी क्वेश्चन इसका आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब दो नंबर में देखिए नीचे लिखे वाक्य में उचित विभक्तियाँ लगाइए। एक नंबर पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए को
भीड़ कर चला बकरी से क्या मिला। नेक्स्ट देखिए दो नंबर में, पिछले वर्ष एक परिवार ने हमारी घर दिवाली पर माटी की एक थाली में माटी का लक्ष्मी गणेश और कुछ दियों समेत खिल खिल बतासे भेजे। तीन नंबर में, उस गांव का जमींदार ने अपनी जमीन किसान को खेती के लिए सौंप रखी थी। चार नंबर, विज्ञान ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रूप में बहुत से उपहार दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नंबर में, निम्नलिखित उदाहरणों में से करण तथा अपादान कारक को छांटकर उसका नाम लिखिए। तो बच्चों, करण कारक जिसका चिन्ह से होता है और अपादान कारक इसका भी चिन्ह से होता है, इसलिए हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, आज से कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी बच्चों के साथ मुक्ता मिस है। देखिए, करण कारक का से कब होगा, जब इसका अर्थ के द्वारा में हो जाएगा, ठीक है, यानी अलग होने के अर्थ में नहीं होगा, और अपादान कारक का से होगा अलग होने के अर्थ में, ठीक है, इसका से का पता चलेगा अलग होने के अर्थ में। आप देखिए इसका एक्सरसाइज वर्क करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगी। बाकी देखिए, एक नंबर, बच्चा झूले से गिर गया। यहाँ पर झूले से अपादान कारक होगा, क्योंकि बच्चा झूले से गिर गया मतलब वो अलग होने के अर्थ में हो गया, वो अलग हो गया, झूले से वो अलग हो गया, इसलिए यहाँ अपादान कारक होगा। दो नंबर देखिए, प्रतिभा दूध से पनीर बनाती है। यहाँ पर दूध से यानी दूध के द्वारा, यहाँ पर कोई अलग होने का मतलब नहीं हो रहा है, इसलिए ये करण कारक होगा। तीन नंबर, गंगा गंगोत्री से निकलती है यानी निकल जाती है, अलग हो जाता है, इसलिए गंगोत्री से अपादान कारक होगा। चार नंबर में, पंकज चम्मच से खीर खाता है यानी चम्मच के द्वारा वो खीर को खाता है, यहाँ कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, इसलिए ये करण कारक होगा। पाँच नंबर, ये दवा गर्म दूध के साथ ले लेना, के साथ यानी यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी करण कारक होगा, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर हमारे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार नंबर में, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्दों के कारक के भेद लिखिए। और बच्चों, इसको प्रिपेयर करने के लिए, इसको समझने के लिए आपको ज़रूरी है कारक का विभक्ति चिन्ह को याद करना। अगर आपका विभक्ति चिन्ह याद है तो आसानी से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, एक नंबर, चाचा जी दुबई जा रहे हैं, तो यहाँ पर चाचा जी ये होगा कर्ता कारक। मैंने पहले ही कह दिए कि कभी कभी कर्ता कारक का चिन्ह ने दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो क्रिया करेगा, जो काम करने वाला होगा, वही कर्ता कारक हो जाएगा। तो यहाँ चाचा जी दुबई जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, चाचा जी, इसलिए ये कर्ता कारक होगा। दो नंबर, मीरा ने फूलों से हार बनाया। फूलों से यानी फूलों के द्वारा, यहाँ पर अलग नहीं हो रहा है, बल्कि फूलों के माध्यम से वो हार को बनाता है, फूलों के द्वारा, इसलिए ये करण कारक होगा। नेक्स्ट देखिए, तीन नंबर, व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पर व्यायाम के माध्यम से शरीर स्वस्थ रहा, यानी यहाँ पर कुछ अलग नहीं हो रहा, इसलिए ये करण कारक होगा। चार नंबर में, हरे भरे पहाड़ पर बकरियाँ चरने गई। पहाड़ पर में पर अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए ये अधिकरण कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँच नंबर में, नवीन को पढ़ने के लिए विदेश भेजा गया। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो के लिए किसका चिन्ह है, संप्रदान कारक का, इसलिए ये संप्रदान कारक होगा। सिक्स नंबर, अरे नालायक कभी तो अकल से काम लिया कर। यहाँ पर ये चिन्ह देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये संबोधन कारक है। और लास्ट क्वेश्चन है सेवेंथ में, रेलवे स्टेशनों पर माटी के कुल्हड़ों का प्रयोग होने लगता है, क्यों।
के, माटी के, का, के, की, ये संबंध कारक का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर होगा संबंध कारक। तो बच्चों इसके लिए आपको ज़रूरी है कारक का विभक्ति चिन्ह याद करना, तो आपको आसानी से ये कारक चैप्टर हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा पढ़ाई आप सभी बच्चों को कैसे लगता है। और अगर आपने पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा और एक चैनल है मुक्ता मिस क्लास 1-7, तो प्लीज़ 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 उसमें भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।